हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा लवर्स में। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाएंगे, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमने जिस कपड़े से ड्रेस बनाई थी वही कपड़ा पगड़ी बनाने के लिए भी लिया है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक पतली सीधी पट्टी के रूप में हमने सिल लिया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसे बीच से हाफ फोल्ड करते हुए पीछे की ओर मोड़ देंगे, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए, लगभग हमारी पगड़ी का बेस तैयार ही हो चुका है। अब हम इसे सुई धागे की मदद से पीछे सिल देंगे। तो ये देखिए, हमने सिल लिया है। अब मैंने कलकी का यूज़ किया है। आप कलकी की जगह और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पैच या और कुछ जो आपको अच्छा लगे। सुई धागे की मदद से हम दोनों को पीछे अच्छे से अटैच कर देंगे। अच्छे से अटैच करने के बाद पगड़ी को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टोन्स लिए हैं। स्टोन आप अपने इच्छानुसार कोई भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपनी पगड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं। अब ग्लू से हम सारे स्टोन्स अच्छे से चिपका देंगे। मैंने एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाई है, तो इसीलिए मैंने छोटे स्टोन्स का यूज़ किया है। आप अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो छोटे या बड़े स्टोन्स लगा सकते हैं। अच्छे से सभी स्टोन्स को चिपकाने के बाद अब देखिए, हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप अब आप लोग भी घर पर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आसानी से पगड़ी बना लेंगे। और हाँ, आप सभी लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने लड्डू गोपाल जी के ड्रेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो आप सभी लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी और ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।